वैसे व्लॉग व्हाट्सअप एवरीबडी। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल किट। आई नो कि मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सो आज की वीडियो जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसे मुतालिक सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, सर्दियां भी हैं तो हम साथ ही बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने के ऊपर भी बात करेंगे कि आप कौन कौन सा रीज़नेबल, मेरी जो थीम है वो यही होती है कि रीज़नेबल प्राइस में आप बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ करें जो कि हार्मफुल ना हो, केमिकल से बिल्कुल पाक हो। इसलिए आपके साथ स्किन केयर रूटीन एंड बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, बिकॉज के जिस सर्दियाँ आ गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर पे सबसे पहले जो आपके पास ब्राइडल किट में होना चाहिए वो सबसे पहले माइसिलर पाउडर है। माइसिलर पाउडर अगर आप लेना चाहें तो गार्नियर का बेस्ट है। अपने पास कॉटन पैड्स और ब्राइडल किट में माइसिलर पाउडर ज़रूर रखिए मेकअप रिमूव करने के लिए। देन अगर आप उससे भी कॉस्मेटिक्स का 4D 3-in-1 मेकअप रिमूवर, जो कि जिसके अंदर आपको टोनर मिल जाता है, क्लेंजर मिल जाता है, देन आपको मेकअप रिमूवर मिल जाता है 1000 रुपीज़ के अंडर वो आपको मिल जाता है। सो उसके बाद सबसे पहले जो बात आती है ब्राइडल किट में वो है बॉडी मॉइस्चराइज़र एंड स्किन मॉइस्चराइज़र की अच्छे से। और सर्दियां हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपको सबसे बेस्ट नेविया है। अगर आप कोई और लोशन या वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो नेविया के ये कोको बटर है और एक एक्सप्रेस हाइड्रेशन है जो कि लाता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें बॉडी मॉइस्चराइजर्स के बारे में बताएँ, तो ये जो दो हैं ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप ये भी ले सकते हैं। देन स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है नेविया सॉफ्ट क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, और सबसे बेस्ट रिजल्ट है इसका जो ड्राई स्किन पे पेजेस पड़ जाते हैं बेस के। और मेकअप ज़ाहिर है ब्राइडल हैं आप तो मेकअप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जल्द साबित होती है आपकी जो ड्राई स्किन है उसके पेजेस जो हैं, जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, पेजेस पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होने की वजह से, उसमें यह हेल्पफुल साबित होती है। क्रीमी टेक्स्चर से इसका ये भी आपको 500 तक मिल जाएगी। इसमें जो है वो बोबाइल है एंड विटामिन ई क्रीम है जो कि आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, और इसका चैनल पर रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन डिटेलिंग। अब लास्ट में जो है वो, अब यहाँ पे हमने अपनी बॉडी केयर के बारे में बात कर ली है, जो हम स्किन को मॉइस्चराइज़र करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे। उसके लिए आप यही वाला निविया का सॉफ्ट ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो आता है यहाँ पे फेस वॉश का। फेस वॉश जो है यहाँ पे ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरी ड्राई स्किन है बट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, सुपर डुपर काम करता है आपकी स्किन के ऊपर। एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है ये दोनों ऑप्शन। अगर आप लेना चाहें तो इनका 3-in-1 गार्नियर का मिलता है, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, पर गार्नियर का एक्ने प्रोन स्किन के लिए दोनों में बेस्ट काम करते हैं। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और इससे जो है ना आपके डार्क स्पॉट भी ये कम करता है। और ड्राई स्किन के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन आपका है वो है एवलाइन कॉस्मेटिक्स का 5 प्रेस्टिज 4D फेस वॉश। अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। और हिमालय का नीम फेस वॉश, प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, उसकी मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। सो फेस वॉश के बाद आ जाते हैं ड्राई स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, ऑल स्किन टाइप के लिए मैं आपको सब बता रही हूँ। फेस वॉश के बाद हमारा स्टेप आ जाता है क्लेंजर का। क्लेंजर के लिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट में यहाँ पे मेरे पास है विंसी का क्लेंजिंग मिल्क जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही सुपर डुपर काम करता है। और सेकेंड नंबर पर है यहाँ पर स्किन वाइटनिंग डॉक्टर राशिल का वाइट स्किन वाइटनिंग फैट क्लेंजर, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। विंसी जो है आपको 1000 तक की रेंज में मिल जाएगा और डॉक्टर राशिल वाला जो है ये आई थिंक 500 तक आपको मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहें, ड्राई स्किन के लिए दोनों ही बेस्ट है। और क्लेंजर अगर लेना चाहें तो न्यूट्रोजेनिया का स्किन, ऑयली स्किन के लिए न्यूट्रोजेनिया का बेस्ट है। न्यूट्रोजेनिया का फेस वॉश भी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रेंज है उनकी, अगर ऑयली स्किन है तो आप वो भी ले सकते हैं। क्लेंजर के बाद आ जाते हैं जी, क्लेंजर के बाद जो है बारी आ जाती है फेस स्क्रब की। और फेस स्क्रब में मेरे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है सेट आईवीज का, यहाँ पे ब्लैक हेड सैलिसिलिक एसिड एक्नी मेडिकेशन है, ये ग्रीन टी स्क्रब है, 100% नेचुरल है, डर्माकोलॉजिस्ट टेस्ट है। लेना चाहें तो 300-350 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा, बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे लेना चाहें तो ये वाला बेस्ट है आपके लिए, ऑल स्किन टाइप है ये और ब्लैक हेड्स के लिए भी बहुत अच्छे, और एकदम से आपकी स्किन ब्राइटन अप कर देता है। ड्राई स्किन वालों को हफ्ते में 2 बार यूज़ करना चाहिए स्क्रब, और ऑयली स्किन वालों को 2-3 बार हफ्ते में वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप इतना कुछ नहीं यूज़ करना चाहते कि फेस वॉश भी लें, क्लेंजिंग भी करें, स्क्रब भी करें, तो विंसी का वाइटनिंग स्क्रब फेस वॉश ले सकते हैं, लाइटनिंग
सेल रिन्यूअल एंटी डलनेस फार्मूला है इनका, ये भी बेस्ट है। हल्के से मिनी पार्टिकल्स हैं इसके जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करते हैं, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट वर्क करता है और सब हफ्ते में दो बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपका मेकअप जो पैची हो जाता है ड्राई स्किन का सर्दियों में, उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग स्क्रब यूज़ नहीं कर रहे होते। सो दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। ये रीज़न प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन सेट आईवीज है। सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो ये आपको 900,000 की रेंज में मिल जाएगा फैंसी का। इसका आ जाती है मास्क की। मास्क के लिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो जस्ट एक ही ऑप्शन है, हॉलीवुड स्टाइल एक्सफोलिएटिंग पेरिस मट मास्क। पर बस जो होते हैं वो आपकी आल स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मास्क लाजमी मस्ट यूज़ किया करें, हफ्ते में एक बार दो बार अपनी स्किन को प्रिपेयर करें और उसमें मास्क का यूज़ रखें। आप लोगों के साथ मैंने शीट मास्क भी शेयर किए थे, वो भी जो है बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। अगर रिजनेबल प्राइस में लेना चाहें तो 300 या 500 रुपीज़ में आपको ये मट मास्क मिल जाएगा, हॉलीवुड स्टाइल बेरी का। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर शीट मास्क पे जाना चाहें तो शीट मास्क जस्ट 150 रुपीज़ का मालिया के शीट मास्क हैं, जिनका रिव्यू मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो देखना चाहें तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, देन आप इसके बाद मास्क यूज़ कर सकते हैं। मास्क आप जो है मास्क सबसे बेस्ट अगर इन दोनों से भी हटके तो 3-in-1 में आता है सेट आईवीज के मास्क हैं ऑट्स वाले, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पे पिक, आप वो भी ले सकते हैं। वो वाला मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है बिकॉज के 3-in-1 है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ऑट मास्क है इनका और वो बहुत ही अच्छा है रिजनेबल प्राइस में, जस्ट 300-350 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। रोज़ वाटर भी सिंपल सा रख सकते हैं अपने पास। विंसी का मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करें, विंसी का लाइटनिंग टोनर पोर्स अपीयर स्मॉलर इंस्टेंटली ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ये, लाइटनिंग एक्स है फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर ये थोड़े से झाग टाइप के आते हैं जो कि इनके हर प्रोडक्ट में है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है इनकी प्रोडक्ट्स। सो लेना चाहिए जाती है सीरम की। सीरम जो है जब हम अपनी स्किन पे टोनर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमें सीरम यूज़ करना पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे जी इतना कुछ लगा लिया तो सीरम क्यों। सीरम अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन डलनेस पे ना जाए, एंटी एजिंग ना हो, दूसरा एंटी एजिंग से बचाती है आपको, और फ्रकल्स ना हो, पिगमेंटेशन ना आए और रिंकल्स ना हो, कम उम्र में जो लड़कियों के हल्के और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो ना हो, तो सीरम मस्ट यूज़ कीजिए। सीरम के लिए यहाँ पे मेरे पास वाइटमिन डॉक्टर राशिल के दो सीरम हैं, एक है डॉक्टर राशिल वाइटनिंग सीरम, दूसरा है डॉक्टर राशिल का ही वाइटनिंग फेड आउट स्पॉट सीरम, और यहाँ पे है मेरे पास सिर्फ विंसी का लाइटनिंग सीरम। तीनों ही अपनी जगह बेमिसाल काम करते हैं। तीनों का रिजल्ट मैं आपके साथ यूज़ करने के बाद ही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बॉटल्स आप देख सकते हो और विंसी का जो है मेरे पास ये तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। बेस्ट वर्क करता है, ऑल स्किन टाइप है, बहुत ही मॉइस्चराइज कर देता है। अगर आपका मेकअप पैची हो जाता है और केकी हो जाता है, एकदम ड्राई स्किन है ज़्यादा और बिल्कुल फटी हुई हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपको जो है ना विंसी का है। ये आपको 1000 की रेंज में ही इनका सारा है स्किन केयर, ये भी ले सकते हो। और अगर इससे भी कम में सीरम में आना चाहते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, वाइटनिंग डॉक्टर राशिल का वाइटनिंग फेड आउट सीरम भी कमाल का है और वाइटनिंग डॉक्टर राशिल का वाइटनिंग सीरम ब्राइटनिंग एंटी एजिंग भी बहुत अच्छा है। इसमें हाइरोलैनिक एसिड है जो आपको आपके दाग धब्बों को भी कम करता है। सो ये जो है आपको 500 की रेंज में मिल जाएंगे। दोनों का जो है प्राइस वो आई थिंक मैं लिंक शेयर कर दूँगी, अगर लेना चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं अब सीरम के बाद। ये बात जो बारी आती है सीरम के बाद आ जाती है क्रीम की। क्रीम में जो है वो आपके पास यहाँ पे फिर से एक बार दो हैं, दो से तीन ऑप्शन है मेरे पास। आप लेना चाहें तो एवलाइन कॉस्मेटिक्स की मैंने ऑर्डर की हुई थी बट वो थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरा क्लेंजर भी मैंने किया था और एवलाइन की जो डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, उन्हें भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया बट वो थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं स्किन पे। और लाइट नहीं क्रीम है, शिया बटर है इसके अंदर और लाइटनिंग ऑल स्किन टाइप है, 50 ml है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 9 से 1000 तक की रेंज में ही मिलेगी विंसी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी। इसके बाद जी आप आ जाते हैं यहाँ पर हम डॉक्टर राशिल की बात की जाए तो डॉक्टर राशिल की यहाँ पे मेरे पास दो क्रीम है, डॉक्टर राशिल वाइटनिंग डे क्रीम है यहाँ पे और डॉक्टर राशिल की नाइट क्रीम भी है। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल किट प्राइस है इसका। ये भी मैं आपके साथ आगे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कितने का लिया है। इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। डॉक्टर राशिल की डे एंड वाइट क्रीम के जो प्राइस हैं वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दूसरे नंबर पर भी डॉक्टर राशिल की विटामिन सी ब्राइटनिंग एंटी एजिंग फेस क्रीम है यहाँ पे और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। देन अगर यहाँ पे बात की जाए कि इतना सब लगा लिया, इतना सब हम नहीं कर सकते और
इससे भी रिजनेबल प्राइस में बताएं तो फिर ब्राइडल किट के लिए मैं आप लोगों को स्किन वाइटनिंग सीरीज ले लें यहाँ पे, या फिर आप अपनी किट में डॉक्टर राशिद का विटामिन सी सीरम रख लें, अपने फेस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डलनेस और बहुत ज़्यादा दाग धब्बों वाली है तो आप विटामिन सी डॉक्टर राशिद का किट का लिंक शेयर कर दूँगी, इनके प्राइस शेयर कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी आपके साथ, आप देख लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है उनका अगर आप लेना चाहें तो। डॉक्टर राशिद के इन दोनों में से कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जस्ट 2500 पे ये किट आ जाती है आपकी पूरी, जो कि ब्राइडल के लिए है बेस्ट ऑप्शन और रिजनेबल। स्किन का फेस का ख्याल रखते हैं, वहाँ में अपना हाथ पांव का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैं एवलाइंस वाइट पेस्टेज 4D हैंड वाइटनिंग क्रीम 3-in-1 है, ये लाइटनिंग एंड वाइटनिंग है, मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को और बहुत ही अच्छे से काम करता है ड्राई और एरिटेट स्किन के लिए है यहाँ पे। और 500 की जस्ट ये क्रीम है, ये आप लोगों को अपने ब्राइडल किट में लाजमी 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 रखनी चाहिए, क्योंकि जहां हम अपने फेस का ख्याल करते हैं वहां हमें अपने हाथ पांव का भी ख्याल रखना चाहिए और बेस्ट है। और फेस दूसरे नंबर पे इनका जो है यहां पे, वो भी फुट एंड हैंड के बारे में, फुट एंड हैंड के लिए इनका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये अगर आपने नहीं देखा तो इन डिटेलिंग आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, मैंने आपके साथ फुल रिव्यू शेयर किया इसका। यह है जी डर्मा का ऑल स्किन टाइप, डर्मा ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है, फुट एंड हैंड लाइटनिंग ब्लीच क्रीम है, 2-in-1 डबल एक्शन है ये बहुत ही अच्छी क्रीम, अच्छी ब्लीच है, इसमें कोई भी आपकी स्किन को इरिटेशन नहीं होती और बहुत अच्छे से आपके फुट एंड हैंड को लाइटनिंग पे लाती है। आप हफ्ते में 2 बार इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 99 का जो है वो परचेज़ किया थे दोनों, एक ये थी और एक इनकी ब्लीच क्रीम थी, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल रेडी है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी मिक्सअप नहीं करना, अम्यूनिया फ्री है, नो इचिंग, नो प्रिवेजेटिव स्किन ब्लीच है, मास्क है ये, बस आपने अप्लाई करना है 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देना है और आपकी स्किन बहुत अच्छे से लाइटनिंग पे लेकर आती है और बहुत ही अच्छा काम करती है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। 99 में, आई थिंक विद डिलीवरी चार्जेस सम 1200 में ये मुझे पड़ गई थी। इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ब्राइडल मेकअप किट होगी, पूरी ब्राइडल का मेकअप होगा जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का यहाँ पे पेज आ जाएगा, आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टा एंड फेसबुक आ जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।